खबर बदायूं से है, जहां बिसौली से सहसमान जाने के लिए नागरिक को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य के प्रथम प्रयास से आज एक नई रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है। अब यात्रियों को परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। समाज सेवियों द्वारा रोडवेज बस सेवा की मांग की गई थी। वहीं समाज सेवी राजा बाबू ने यात्रियों की परेशानी को देखकर उच्च अधिकारियों से रोडवेज बस सेवा की मांग की थी। वहीं आज बिसौली से सहसमान के लिए रोडवेज बस की सेवा शुरू की गई है। वहीं बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य और ARM अजय कुमार सिंह और इंचार्ज राजीव सक्सेना ने नगर के समाज सेवियों के साथ हरी झंडी दिखाकर रोडवेज बस को रवाना किया है। वहीं रोडवेज बस में विधायक और ARM ने अपना टिकट भी कटवाया और ARM ने बताया कि जैसे ही यात्रियों की संख्या बढ़ने लगेगी तो और भी रोडवेज बस की सेवा शुरू की जाएगी, जिससे कि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। जनता की सेवा के लिए हम और विधायक जी ने आज बस मिलकर हरी झंडी दिखा के उसका उद्घाटन किया गया कि जनता को कोई तकलीफ न हो। यहाँ बिसौली की जनता को सहसवान जाने में, नरैनी जाने के लिए बस सेवा शुरू किया गया है। ये एक ही चलेगी या फिर इसका शेड्यूल क्या रहेगा? नहीं, यात्री बढ़ने के साथ शेड्यूल मतलब और गाड़ी बढ़ा दी जाएगी, तो यात्री के हिसाब से हम लोग गाड़ी बढ़ा देंगे। ये 4:30 बजे शाम को जाएगी यहाँ से, रोजाना जाएगी। बदायूं से वीरपाल सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।